दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते हमारे जीवन जीने की शैली में काफी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कोरोना से बचाव में हम असमर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए हमने जबलपुर के सुविधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डांग के साथ आपके लिए जीवन शैली के कुछ सुझाव लेकर आए हैं, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, एक सलाह सेहत की। नमस्कार। अभी अभी कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और बहुत खतरनाक वायरस ऐसा बताया जा रहा है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरसेस ऑलरेडी हमारी लाइफ में हैं जिनसे हमको बचना है। दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उनसे लड़ने की ताकत अपने अंदर बढ़ाएं, जिसे हम इम्यून पावर बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे बढ़ा के रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, टाइम पे खाएं, समय पे खाएं और सही चीज़ खाएं, सही नींद लें, शरीर को रिलैक्स करें, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे सिर्फ कोरोना नहीं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आप लड़ पाएंगे। साथियों, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सक्षम हैं और हिंदुस्तान में हर आदमी बहुत सक्षम है। सिर्फ अपना ध्यान रखिए, धर्म का पालन कीजिए और जैसा हमारे धर्म में बताया गया है। दूसरा तरीका प्रिवेंशन यानी बचाव। बचाव का सबसे पहला स्टेप, हम जब भी किसी से मिलें 4 फीट दूर से हाथ जोड़ के मिलें। यह विधि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले तय कर ली थी और विश्वास मानिए, इस विधि से करते समय आपके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो सिर्फ इसलिए आती है कि आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर जुड़ जाते हैं और ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आप चेहरे पर स्माइल लेके बात करते हैं। और यह करते समय आप आदमी से 4 फीट दूर रह सकते हैं, जो आज विज्ञान और चैनल बता रहा है कि हम लोगों से 4 फीट दूर से बात करें, तो शायद हम इससे भी भयानक रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि मैं अपने पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं कि हाथ में हमारे इतने बैक्टीरिया और वायरस हैं, क्योंकि हर जगह हम हाथ टकराते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, इन सब में हम इतने वायरसेस और बैक्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने हाथ में, हम खुद अपने बॉडी को इच भी करते हैं, बिना जाने अनजाने कहाँ कहाँ हम खुजली करते हैं, हमारे हाथों में सब वायरस आ जाते हैं। और उनको हम, इन बैक्टीरियाज को हम जब हाथ मिलाते हैं तो पास जाना पड़ता है, और पास में खड़ों के जब हाथ मिलाया तो उसके सांसों से निकले हुए ड्रॉपलेट्स, उसके मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स हमारे कपड़ों में, हमारे फेस पे आ गए और वो हमारे लिए बीमारी का कारण बन गए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई है। बहुत सारे कारण हैं, इनका मैं विस्तार से अगले एपिसोड में करूँगा कि क्यों कम हुई है, पर साथियों ये समय आ गया कि हम सतर्क हो जाएं। आपने देखा होगा कि चैनल में बताया जा रहा है कि वायरस को धोना है, कोरोना को धोना है, बिल्कुल धोइए, हाथ धोइए। लेकिन आप चलिए मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर और देखिए, हम सर्जन 10 मिनट लगातार हाथ धोते हैं, उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं ऑपरेशन के लिए ताकि बैक्टीरिया ना जाएं। तो क्या आप 10 मिनट हाथ धोते हैं? नहीं धोते हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक बार धो लेते हैं। अगर आपको सिर्फ हाथ धोना है साबुन से, अपने आप को बचाना, अपने घर वालों को बचाना है, तो कम से कम 3-4 बार तो साबुन से हाथ धोना ही पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ क्लीन होंगे। अदरवाइज मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा कि एक बार धोने के बाद भी आपके हाथ में बैक्टीरिया है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम स्वस्थ रहें, अन्यथा बीमारियों में बहुत खर्चे हैं, ये आप जानते हैं, जो पैसा कमाया वो बीमारियों में खर्च हो रहा है। बचाव ही उससे बचने का एक तरीका है, मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और याद करेंगे कि मैं पहले भी ऐसी बातें कह चुका हूं और हमारे पूर्वज तो हजारों साल से कहते आ रहे हैं, उन्हें सुनें और उनकी बातों को माने। धन्यवाद।